खाली सफर था। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड का परात्पर पारब्रह्म माता आदिशक्ति जगदम्बा श्रीराज राजेश्वरी त्रिभुवन स्वामी मंगल कादेवी महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपा ऐसी माता पराशक्ति के पावन चरणार विंद में हम सभी की ओर से कोटि कोटि नमन। परम पूज्य परम श्रद्धेय परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव उनके पावन चरणार में नमन करते हुए इस सुंदर प्रांगण में विराजमान सभी भगवत चरणों में नमन। परम आदरणीय समस्त विप्रवर समाज को प्रणाम करते हुए जय श्री बालाजी एवं जय माँ जगदम्बे ट्रस्ट की एवं इस नव दिवसीय श्रीमद देवी भागवत महापुराण की आयोजककर्ता के रूप में यहाँ के सभी आदरणीय सदस्यगण समस्त महिला मंडल समस्त संगीत वृंद एवं आप सभी नौग्यारा सेक्टर निवासी सभी उपस्थित प्रभु प्रेमी आत्माएं आप सभी को प्रेम से मेरी ओर से सभी को जय माता दी जय माता दी जय माता जय माता दी जय माता आइए चलते चलते सफर को मार्ग को तय करते हुए होना आज अष्टमी तिथि में अष्टम दिवस में पहुंच चुके हैं। आज की कथा को प्रारंभ करेंगे और देखिए करते करते दिन हमारे बीत गए हैं और कई हम सभी विश्राम दिवस के भाव से पुनः एकत्रित होंगे। ये ऐसे अनमोल पल सुनहरे पल जो स्वर्ण अक्षरों में अंकित कर दिए गए हैं जिन्हें स्वयं भगवान भी मिटा नहीं सकते ऐसे वो पल आपको प्राप्त हुए। आप सबकी भी सब प्रेरणा से और आपके भी भीतर उस सब प्रेरणा को जागृत करने वाली वह शक्ति परांबा शक्ति उन्हीं की प्रेरणा से हम और आप इस कार्य को प्रारंभ भी कर पाए और हम समझते हैं कि निर्विघ्नता से आप सभी के सहयोग से आप सभी ने बहुत हमारी व्यवस्था को सही रूप से संचालित करते हुए सहयोग करते हुए हमारा एक साथ दिया। क्योंकि आयोजन तभी सफल होते हैं जब हम और आप सब एक साथ मिलकर के उस कार्य को सफल बनाने के लिए श्रम करते हैं प्रयास करते हैं। तो आओ वैसे तो आज का दिवस है विश्राम की बात तो विश्राम दिवस में ही की जाएगी। आज जो कथाएं भाग शेष रह रहे हैं कि देखो बहुत कथाह समुद्र है अथाह सागर है। हम कहते हैं कि भाई नवान परायण करके हम शायद श्रीमद् देवी भागवत महापुराण को पूर्ण रूप से श्रवण कर ले तो संभव ही नहीं है। और कथा एक बार में कभी भी पूर्ण होती ही नहीं और पूर्ण होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि पूर्ण रूप तो वह माता ही है और उसी पूर्णता से एक अंश रूप हम और आप प्राप्त करते हैं
यहाँ 9 दिन भी जो हम व्यतीत कर पाए हैं, व्रतों के लिए तो यह 9 दिन भी बहुत कम पड़ जाते हैं। ये ऐसे भाव है जो अनवरत चलते रहने चाहिए, लेकिन चूंकि संसार में प्राय ऐसा होता है कि जब कोई भी कार्य हम निरंतर करते हैं तो मनुष्यों को आलस्यता ना हो, प्रमाद ना हो, थकावट ना हो, सो उसलिए उन कार्यों में विश्राम दिया जाता है। जब भी हम कथा को पुण्य प्रदान करने की कोशिश करते हैं तो वो हो नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वह पूर्ण हो भी नहीं सकता। संतों ने भी ग्रंथ लिख देने के बाद यह कह दिया कि नहीं थी, मतलब जो लिखा है इतना ही नहीं है। हमें जो समझ में आया सो हमने यहाँ लिख दिया, लेकिन इतना ही नहीं है भगवान का वर्णन, इतना ही नहीं है भगवान की लीला। भगवान की लीला तो अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। इनको तो जितना आप अपनी समर्थता से श्रवण कर पाए हैं, बस उसमें माता रानी की कृपा को महसूस करें, अनुभव लें, अनुभूति प्राप्त करें कि जो भी मिला है, मिला तो माता आपकी कृपा से ही है। और इतना भी जो मिल पाया है, इतना भी हम अपने भीतर संजो लें, हमारे लिए तो वह ही सबसे बड़ी औषधि होगी, प्रसाद होगा। और फिर तो ये विश्राम ही दिया जाता है, कथाओं को कभी समापन नहीं किया जाता, कथाओं को कभी समापन नहीं किया जाता है। ये समापन दिवस नहीं, ये विश्राम दिवस होता है हमारा। क्यों? क्योंकि विश्राम दिवस में हम उनको विश्राम देते हैं। आप भी विश्राम करें, हम भी थोड़े समय के लिए विश्राम करेंगे, और जब फिर से मन में ऐसे भाव उमड़ेंगे जिससे रहा नहीं जाएगा कि अब हमें कुछ तो प्राप्त करना ही है, कोई भाव तो श्रवण करना ही है, तो हे महामाई के रूप में अथवा किसी अन्य ग्रंथ पुराण के रूप में हम पुनः इनका प्रकाश करेंगे और सब एकत्रित होकर के फिर से उनके नाम का गुणगान हम करते जाएंगे। बोलो जगदम्बे मैया की जय। तो वह जगदम्बे भवानी जिनका त्रिभुवन पे छाया राज है, सब और वह राज कर रही है, वह शक्ति सबके भीतर निवास करती हुई किस प्रकार से संपूर्ण सृष्टि का संचालन कर ही रही है, ये तो आप सुन ही चुके हैं बारह बार। कल विश्राम में हमने माता आदिशक्ति के 3 नामों का वर्णन किया था। कार्य तो एक ही हुआ था, लेकिन उसी के ही अंदर 3 कार्यों को करने से माँ के 3 नाम हमने यहाँ पर प्रकट किए। याद है आप में से किसी को 3 नाम कौन से हैं? सबसे पहले तो माता ने जो नेत्रों को उत्पन्न किया अपने श्री अंग पर, जिनकी संख्या 100 बताई गई है, और 100 को संस्कृत में कहते हैं शत, और नेत्रों को कहते हैं अक्ष, तो इस कारण से एक नाम है शताक्षी, ठीक है ना, एक नाम है शताक्षी। फिर उन्हीं शताक्षी मैया ने अपने भक्तों को, मनुष्यों को, प्राणियों को उनके अनुसार भोजन प्रदान किया, शाक इत्यादि प्रदान किया, तो वह शाक देने वाली, शाक प्रदान करने वाली वह माता वही क्या कहलाई? शाकंभरी देवी, एक नाम ये हुआ। और जिस दुष्ट ने ये सब उपक्रम किया था, उस दुष्ट का अंत करने के लिए ही माता ने ये सब कार्य किया, युद्ध किया, उस दुर्गम के साथ युद्ध करके उसका अंत किया। तो दुर्गम नामक उस असुर के अंत करने के कारण से माता का एक नाम हुआ है दुर्गा। ये हमने कल विश्राम में श्रवण किया था। जन्मेजय के द्वारा ये सब सारे वृत्तांत सुने जा रहे हैं। और देखो, जो जन्मेजय कथा को सुन रहे हैं, जिसको पहले से ज्ञान होगा वही तो उस विषय को पूछता है। अब जन्मेजय प्रश्न करते हैं वेद व्यास जी से कि आपने कहा कि वह आदिशक्ति पराम्बा
जिनका सर्वत्र निवास है, राज है, उन्हीं में से ही तीन शक्तियां प्रकट हुई। कौन? महाकाली, महालक्ष्मी, मां सरस्वती। ये सारा वृत्तांत आपने पहले सुना है ना, सृष्टि सर्व के विषय में जब बताया गया कि कौन है सृष्टि का संचालन करने वाले, तो वो सारी प्रक्रिया आपको बताई गई है। तो जन्मेजय कहते हैं कि ये सारी शक्तियां जो प्रदान की गई थी ब्रह्मा विष्णु महेश को, मणिद्वीप में जब ये सभी देव पहुंचे तो माता रानी ने अपनी शक्तियों को प्रकट किया और इन शक्तियों को कहा कि इन देवों के साथ जाकर के निवास करो, ऐसा ही आदेश हुआ था। लेकिन क्या कारण है कि वही महाकाली जो माता की ही शक्ति स्वरूपा है, शक्ति स्वरूप एक बार जब उत्पन्न हो चुकी है तो उनको दोबारा उत्पन्न होने की प्रक्रिया क्यों करनी पड़ी? वही महाकाली सती के रूप में, वही महाकाली पार्वती के रूप में पुनः क्यों जन्म लेती? उनको क्या आवश्यकता है जन्म लेने की? जब एक बार माता आदिशक्ति जगदम्बा ने वह शक्तियां इनको प्रदान कर दी तो पुनः क्यों उनको ये जन्म लेकर के आना हुआ? बताइए ना, आपको सती रूप में आए, पार्वती के रूप में आए, और ठीक ऐसे ही महालक्ष्मी भी क्षीर सागर से, समुद्र से पुनः उत्पन्न होती है, क्योंकि वो तो पहले महाशक्ति से प्रकट हो चुकी है। जब महाशक्तियों से यह शक्तियां प्रकट हुई और वह देवताओं के साथ निवास करती है, तो क्या कारण है कि दोबारा से इनको इस प्रकार से जन्म लेकर के पुनः उन देवों के साथ निवास करना पड़ा? ये एक प्रश्न किया गया और वेदव्यास जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि जन्मेजय तुम्हें जो ज्ञान है उसी के अनुसार ही तो तुम प्रश्न कर रहे हो, क्योंकि जब सामने वाला प्रश्न लेकर के आएगा और वो ऐसा प्रश्न होगा जो पहले से ही उसने कहीं ना कहीं से उस ज्ञान को प्राप्त किया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं संशय रह जाते हैं, तो उस संशय को भी और निवृत्त होने के लिए, वह संतों की शरण में बैठ करके संशय रहित हो जाने के लिए ये प्रश्न कर रहे हैं। तो आइए, बड़ी ही श्रेष्ठ ये कथाएं हैं जिसको हम और आप श्रवण करें। तो प्रश्न के अनुसार अब जवाब दे दिया गया और वेद व्यास जी कहते हैं कि निश्चित ये सभी शक्तियां अपने अपने देवों के साथ उनके लोक में निवास ही कर रही थी, लेकिन एक समय की बात है कि हलाहल नाम से बहुत से दैत्य उत्पन्न हो गए और उन दैत्यों में बड़ा ही बल था। ये दैत्य निश्चित बड़े बलशाली तो होते ही हैं, एक बार तो सबको अपने अधीन कर ही लेते, कैसे भी करके देवताओं तक से भी नाक लड़वा देते, इतनी शक्ति लेकर के आते। तो इन दैत्यों में अपार बल था और अपने बल से इन्होंने सबको अपने अपने अधीन कर लिया, तो अंत में हार करके वही देवता त्रिदेवों की शरण में गए और ब्रह्मा जी, भगवान श्री विष्णु जी, महादेव आए इनसे युद्ध करने के लिए और अपने बल को उन्होंने भी प्रकट करके, बहुत समय तक युद्ध चला लेकिन अपने बल को प्रकट करके इन्होंने कैसे भी करके उन हलाहल नाम के दैत्यों का अंत कर दिया। बोलो जगदम्बे मैया की, अंत तो कर दिया। और जब अंत करके विजयी होकर के ये अपने लोक में वापस आए तो इनको अभिमान हो गया कि ये हमने अकेले ही इस कार्य को पूर्ण किया है, जबकि ये जो कार्य त्रिदेव भी करते हैं ये अपनी शक्ति के साथ करते हैं, बिना शक्ति के इनसे भी वो कार्य पूर्ण नहीं होता। देखिए यहाँ पर विशेष रूप से भगवान श्री हरि और महादेव जी के मन में भाव आया कि तो हमारी ही शक्ति से सब कुछ संभव हो गया। तो एक प्रकार से जब आपने ये बात ध्यान दी होगी, जब मां शक्ति ने उन शक्तियों को प्रकट किया था तो उन्होंने ये कहा था कि कभी इन शक्तियों का तिरस्कार मत कर,
चले आए, सब ध्यान लगाए, क्योंकि एक भी वाक्य सुनने से रह गया तो वंचित ना हो पाओ। क्या कहा मैंने अभी? महाशक्ति ने कहा था कि इन शक्तियों को मैं तुम्हें दे रही हूँ, इनका कभी भी तिरस्कार मत करना। तो वही कार्य इन दोनों देवों से हुआ। तो तिरस्कार होने के कारण से ये शक्तियां वहां से विस्मृत हो गई, अदृश्य हो गई, थोड़े समय के लिए वहां से अदृश्य होकर के जब रहने लगी तो ये दोनों ही देव क्या हो गए? निर्बल हो गए, शक्ति विहीन हो गए। तब एक बड़ी चिंता का विषय हो गया, क्योंकि बिना शक्ति के भैया आप भी कमजोर हो जाते हो ना। शक्ति हो तो सारे कार्य हो जाते हैं, और शक्ति ना हो तो खाना भी अच्छा नहीं लगता, भोजन भी अच्छा नहीं लगता, जीना भी अच्छा नहीं लगता। इंसान का मन पता नहीं क्या क्या विचार करता है, ये भी बड़ा प्रभाव होता है हमारे जीवन में। जिस शरीर को हम कहते हैं कि ये असत है, लेकिन इसी ही शरीर में आत्मा रह करके सब कुछ प्राप्त करती है, चाहे वो सुख है, चाहे वो दुख है, चाहे वो सुंदर मनोभाव है, संकल्प है, सत्कर्म है, साधना है, जो भी है, वो शरीर के साधन से ही आत्मा वो सब कार्य पूरा करती है। और जिस शरीर में शक्ति नहीं होती, उस शरीर में रहती हुई आत्मा भी दुर्बल हो जाती है, क्योंकि वो शरीर कुछ कार्य नहीं कर पा रहा। उस शरीर के ही साधन से ही तो आत्मा ने भी बल प्राप्त करना है। तो शरीर का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, शरीर के साथ मन का स्वस्थ रहना भी जरूरी है। दोनों स्वस्थता होनी चाहिए, मानसिक बल, शारीरिक बल। अच्छा, शारीरिक बल तो हम चलो भोजन से प्राप्त कर ले, लेकिन आत्मिक बल का एक ही साधन है, या तो भगवान का नाम जपिए, बहुत इसी से बल मिलेगा। प्रार्थना कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, भजन करिए, यज्ञ इत्यादि कीजिए, जिस भी साधन को आप अपने अपने घर में या वहां कर सकते हैं, आपको करते रहना चाहिए। हम लोग करते हैं, कब करते हैं? सालों साल में करते हैं। हमें कभी लगता है कि भाई इतनी जल्दी क्या करेंगे, कैसे आयोजन करेंगे, इतना बहन कैसे करेंगे, इतना व्यय कैसे करेंगे, और अन्य कार्यों में बहुत व्यय करते हैं, वहां नहीं सोचते, वहां नहीं विचार करते, लेकिन धर्म के कार्य करने में कितना व्यय लगेगा पहले तो ये सोच होती है, इसमें खर्चा कितना होगा, और उसको सोचने में ही हम लोग रह जाते हैं कि अभी नहीं फिर कभी करेंगे। तो करने करने में ही हजारों साल बिता देते हैं। कोई एक विशेष तिथि को निश्चित किया जाता है कि चलो आज सत्संग करा लिया जाए, चलो आज घर में यज्ञ करा लिया जाए, वो भी बहुत कम। नहीं तो हम मंदिरों में भी जो कार्य हो जाते हैं, चलो ये तो एक सामूहिक प्रक्रिया है, कथा सामूहिक है, कथा सामूहिक होती है तो सबका वहां पर सम्मिलित होना, एक भाव अपने आप पूरा हो जाता है, लेकिन पारिवारिक भाव पूरा नहीं होता। आप जो घर से आप निकल करके आए, घर में पांच लोग हैं तो उसमें से आप एक ही तो आए निकल करके, बाकी चार सदस्यों का तो भाव रह गया। तो घर में कभी कभी यज्ञ इत्यादि कराते रहना चाहिए, कोई पूजन कराते रहना चाहिए, कोई सत्संग इत्यादि कराते रहना चाहिए। घर का वातावरण भी पवित्र होगा, वहां के रहने वाले सदस्यों का भाव भी पवित्र होगा। जो कई बार समस्या लेकर के आते हैं ना कि हम तो लगे हैं लेकिन हमारे बच्चे नहीं लगे, हमारे स्वामी नहीं लगे, तो कोई ना कोई ये के प्रकार ऐसे ऐसे कुछ कार्य आप कराओ, क्योंकि घर में ऐसा वातावरण जिनके घर में होता है वहां वो सब सदस्य लगे होते हैं, ऐसा मैंने अनुभव किया है। जहां ये कार्य ही नहीं होते, सालों साल में कुछ कार्य करते हैं तो उनकी रुचि ही नहीं करती, उनका भाव ही नहीं जुड़ता, तो उनके भावों को भी जोड़ने का प्रयास हमें करना है। अब ये शक्ति विहीन हो गए दोनों देव, सबके लिए बड़ी समस्या है, क्योंकि सभी देवता इनकी शरण में रहते हैं, यही देव कमजोर हो गए। तो अब क्या किया जाए? बोले उस महाशक्ति को मनाया जाए, वो महाशक्ति ही इस प्रकार से हमारी सहायता कर पाएगी, हम तो उन्हीं के अधीन हैं। तो सभी के सब देव, तीनों देव तो है ही, पर्वत, नाले, झरने, नदियां, जो जो भी साकार रूप धारण कर सकते हैं, सब देवता सब मिलकर के माता रानी की आराधना करने लगे, उस शक्ति को मनाने लगे कि हे माँ, तुम किसी प्रकार से हमारी प्रार्थना को स्वीकार करो और हमारे सामने प्रकट हो जाओ। बोलो आदि शक्ति जगदम्बे।
मैया की जय। और कहते हैं जब सब प्रार्थना करते हैं मिलकर के, उसका भी बड़ा एक लाभ तो होता ही है। हम और आप जब मिलकर के कार्य करें तो उसका एक महान लाभ आप सबको मिलेगा सामूहिक रूप से। तो सबने जब मिलकर के प्रार्थना की तो माता आदिशक्ति जगदम्बा प्रकट हुई और उनसे सभी देवताओं ने प्रार्थना की कि ये दोनों देवताओं की शक्ति विहीन हो गई है, कैसे इन्हें इनकी शक्ति प्राप्त होगी। तब माता आदिशक्ति ने कहा कि जो मेरी एक शक्ति है महाकाली, वह गौरी रूप को धारण करके, सती रूप को धारण करके दक्ष जी के यहाँ पर उत्पन्न होगी। मेरे ही अंश से वह प्रकट होने वाली वह शक्ति वहां उपस्थित होगी, लेकिन उसके लिए दक्ष जी को मेरी आराधना करनी होगी, उपासना करनी होगी, तभी मैं उनके यहाँ पुत्री बनकर के अवतार लूंगी। और फिर वही गौरी रूप को धारण करके लीलाओं को करते हुए आगे, जैसे सती रूप धारण करने के बाद पार्वती रूप धारण किया, इस प्रकार दो रूप धारण करने पड़े। ये भी क्यों करने पड़े, इसका भी एक कारण बताया गया, क्यों एक ही बार में ये कार्य पूरा नहीं हुआ। सती रूप को धारण करने के बाद पुनः पार्वती रूप क्यों धारण करना पड़ा, ये भी एक रहस्य। तो माता ने कहा कि एक तो मैं दक्ष जी के यहाँ पर अवतार लेकर के आऊंगी और वहां से पुनः महाकाली के रूप को प्रकट किया जाएगा, और दूसरा जो लक्ष्मी है वो समुद्र से उत्पन्न होगी और उन्हीं के द्वारा पुनः ये फिर से अवतार लेकर के आएंगी। तो यहाँ पर प्रश्न ये है कि दक्ष जी के यहाँ कैसे माता सती का प्रकट्य हुआ है। थोड़ी सी संक्षिप्त में ये कथा सुनाई गई है। तो दक्ष जी कौन है, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है। दक्ष जी के घर में माता आदिशक्ति का आगमन ऐसे ही नहीं हो गया। दक्ष जी की दो पत्नियां हैं, प्रसूति और विक्सिनी, जिससे ये दो तरह की संतान होती, संतान तो बहुत हुई है दक्ष जी के, लेकिन जो वीरणी है जिनसे माता सती प्रकट हुई, जिनसे माता सती का प्राकट्य हुआ। यहाँ पर एक कथा बीच में बताई गई है कि जब सती प्रकट हुई और सती जी का विवाह महादेव के साथ हुआ तो इन्हीं दक्ष जी ने विरोध किया, महादेव की निंदा की, ऐसा क्यों किया गया। तो दुर्वासा मुनि एक बार एक ऐसे स्थान पर गए जहां पर माता आदिशक्ति स्वयं निवास करती है। दुर्वासा मुनि वहां जाकर के सामने माता के सम्मुख जाकर के उन्हीं के सामने खड़े होकर के तपस्या करते हैं, आराधना करते हैं, और जब माता प्रसन्न होती है तो उन मुनिवर को और भी दर्शन देकर के उनके सामने प्रकट हो जाती है। और जैसे आप कभी मंदिर में जाते हो, वहां प्रसाद अर्पित करते हो और उसके बदले में आप भी वहां से प्रसाद लेकर के आते हो, तो प्रसाद के रूप में कुछ भी आपको मिल सकता है, कोई फूलों की माला, कोई प्रसाद जो भोग लगाया गया हो भगवान को, वो आप प्रसाद मानकर ही तो लाते हो ना। जो भगवान के श्री अंग पर फूलों की माला पहनाई जाती है, वह माला भी कभी कभी दे दी जाती है कि आप ये प्रसाद रूप लेकर के जाओ, तो वो भी तो प्रसाद ही है। केवल खाने वाला ही प्रसाद नहीं होता, ये जो श्री अंग से जुड़ा हुआ जो भी है वो एक तरह से हमारे लिए भगवान के समान माना गया है। और यहाँ पर मुझे एक बात थोड़ी सी कहनी है कि बहुत से भक्तजन मंदिर में जाते हैं, बड़े श्रद्धा भाव से प्रसाद भोग लगाते हैं, फूल इत्यादि माला इत्यादि अर्पित करते हैं और बदले में आपको भी वह प्रसाद मिलता ही मिलता है, मिलता ही कहते हैं, लगभग सभी मंदिरों में ऐसी प्रक्रिया होती है। तो प्रसाद तो मिलता है, फूलों की माला मानो मिली है आपको, आप लेकर के आए, लेकिन उसके बाद क्या, वो मुरझा जाते हैं, फूल मुरझा जाते हैं, थोड़े समय तक ही उसकी महिमा समझ में आती, जब मुरझा जाते हैं तो जिनको ज्ञान नहीं होता तो वो हो सकता है इधर उधर कहीं ना कहीं उसे फेंक ही देते होंगे। लेकिन कहते हैं कभी भी इसे यूं ही फेंक नहीं देना चाहिए, चाहे भले मुरझा भी क्यों ना गया। इन फूलों को जब आप लेकर के आते हो तो फेंकना नहीं चाहिए कभी भी ऐसे स्थान पर, अपवित्र स्थान पर तो बिल्कुल भी नहीं। उसको किसी प्रकार से प्रयोग कर लो, उसको सुखा लो, उसको गमले में डाल लो, उसको मिट्टी में डाल लो, उसको
कहीं यहाँ वहाँ बिखेर दो, जिससे उसका एक प्रभाव आपके घर में आगे पीछे जो नकारात्मक शक्तियां कहीं ना कहीं वास करती है, तो इस प्रकार का प्रसाद जब हम वहाँ पर बिखेर देंगे, जिससे वो हमारे घर में भी स्थिर रहेगी और उसका अपमान भी नहीं, कुछ किसी भी प्रकार से उसको सुरक्षित कर, इससे आपको दोष नहीं रहेगा। क्योंकि हम लोग जब लेकर के आते हैं, लाते तो बड़े भाव से, लेकिन उसके बाद उसकी कीमत को हम नहीं समझते, तो यूं ही कहीं ना कहीं उसे फेंक दिया जाता है। तो उसका प्रयोग किया गया, कई तरह से प्रयोग करने की विधि बताई गई है, अपनी अपनी समझ से, अपनी अपनी बुद्धि से। कुछ लोग तो क्या करते हैं, विभिन्न विभिन्न सामग्रियां एकत्रित करते हैं, फूलों को भी एकत्रित करते हैं, तो उससे सामग्री बना लेते हैं, उससे धूप बना लेते हैं, उससे कुछ और प्रक्रिया कर लेते हैं, जिससे उसका प्रयोग भी हो जाता है और वह नष्ट भी नहीं होती, आपके प्रयोग में भी आ जाती है और आपको दोष नहीं लगता। तो ऐसे दुर्वासा मुनि जब खड़े आराधना कर रहे थे, माता आदिशक्ति प्रकट हुई और माता आदिशक्ति जगदम्बा ने प्रसन्नता से अपने गले में पड़े हुए कमल के पुष्पों की माला दुर्वासा मुनि को प्रदान कर दी। बोलो जगदम्बे मैया की। और जब जगदम्बे मैया को वह प्राप्त हुई और दुर्वासा जी को जब प्राप्त हुई, तो वह बड़े खुश हो गए, आंखों से अश्रु प्रवाह हो गए। क्योंकि जब एक भक्त को भगवान से कुछ मिल जाए वस्तु प्रसाद, तो उसे बड़ी खुशी होती है, चाहे वो एक पुष्प ही क्यों ना हो। दुर्वासा मुनि बहुत प्रसन्न हो गए और बस वहीं से चलते चलते यात्रा करते हुए दक्ष जी के ही निकट आ गए। अब दक्ष जी ने दुर्वासा जी का मनोभाव जब देखा कि बड़े खुश हैं, प्रसन्न हैं, आनंदित हैं, तो पूछा उनसे, आप कहाँ से आ रहे हो, क्या प्रसन्नता का विषय है। तब दुर्वासा मुनि ने सब बात कही कि ऐसे ऐसे मैं गया था तपस्या करने के लिए, माँ से बस ये उपहार मिला है और इसको प्राप्त करके मुझे बड़ी खुशी हो रही। तो दक्ष जी ने कहा कि जो उपहार माँ ने आपको दिया है, जो पुष्पों का हार आपने दिया है, वह हार तो आप मुझे ही दे दीजिए। क्यों? क्योंकि मैं भी तो माता का भक्त हूँ, मुझे भी माता के आराधना करने में बड़ी प्रसन्नता होती है, तो मैं तो वो प्राप्त नहीं कर पाया, लेकिन आप वो प्राप्त कर सके हैं। तो आप तो मान है, ऋषि है, संत है, उपासक है, तो आप तो पुनः फिर प्रसाद प्राप्त कर लेंगे, लेकिन अभी तो आप ये प्रसाद मुझे प्रदान कर दीजिए। तो संतों के मन में तो कोई भाव होता नहीं कि चलो सामने वाले ने मांगा है तो भैया कोई बात नहीं, ये प्रसाद अभी तुम ही रखो। तो दुर्वासा मुनि ने वह कमल पुष्पों का हार दक्ष जी को प्रदान किया। अब दक्ष जी उस माला को ले तो आए, लेकिन थोड़ी ही समय की उसकी कीमत को समझा, लाकर के अपनी शैया पर, शैया मतलब जहां सोते हैं, प्रतिदिन का कार्य करते हैं, वहां पर ला करके उसे रख दिया और उसी ही दिन अपनी पत्नी के साथ सहवास करते हैं। और सहवास करने के बाद कहते हैं, जो उन्होंने एक तरह का अपमान किया उस पुष्प के हार का, उसका ही दोष लगा कि उसी ही दिन के बाद दक्ष जी के मन में महादेव के प्रति रोष उत्पन्न होता है। और फिर सती जी जब प्रकट होती हैं, इनके यहाँ पर विवाह भी खुद ही करते हैं, लेकिन जब प्रजापति पद को प्राप्त करके अभिमानी हो जाते हैं, अहंकारी हो जाते हैं, फिर वही दक्ष जी महादेव की क्या करते हैं, निंदा करते हैं, उनको उनको बहुत कुछ सुनाते हैं। तो यहाँ इतना ही वर्णन आता है कि दक्ष जी की वह पुत्री दक्षी भी जिसको कहा गया है, सती भी जिसको कहा गया है, जब वह देखती है कि मेरे ही पिता, मेरे ही स्वामी के प्रति इस प्रकार का भाव रखते हैं, तो जैसा आपने सुना ही है कि दक्ष जी ने एक महायज्ञ का आयोजन भी किया था, इसमें सबको निमंत्रण दिया गया, बस महादेव को ही नहीं बुलाया गया। इस बात को जानकर के सती बहुत दुखी हुई और वह तो पहुंच गई कि मैं एक बार तो पिता के पास जाकर के ये बात जरूर कहूंगी, लेकिन जब देखा कि पिता के तो और ही मनोभाव है, मैं तो बिल्कुल समझना ही नहीं चाह रहे, तब दक्षी ने, सती ने विचार ही कर लिया कि अब तो मैं इस देह को ही धारण नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे स्वामी को जो अपमान कर रहे हैं, तिरस्कार कर रहे हैं, उन्हीं ही दक्ष की ही तो मैं पुत्री हूँ, उन्हीं का ही रक्त मेरे भी अंदर है, तो ऐसे निंदा करने वाले को मैं धारण नहीं कर सकती। सो इसी विचार को लेकर के माता आदिशक्ति जगदम्बा उसी यज्ञ की अग्नि में या अपनी योगाग्नि से अपने देह को जला करके भस्म कर देती है। उन्होंने जगदम्बे मैया की। तो ये तो बात हमने प्राय सुनी ही है।
अब जन्मे जय यही बात पूछते हैं कि ये तो और भी आपने ऐसी अद्भुत बात बताई गुरुदेव, एक तो वह शक्ति ही है, शक्ति का ही अंश है, और क्या कारण है कि उस शक्ति को भी अग्नि में तप करके अपने देह को जलाना पड़ा। अरे ये कार्य तो निम्न मनुष्यों का होता है, लेकिन उस शक्ति को ही कार्य करना पड़ा, ये बड़ी अद्भुत बात लगती है। ये ऐसा होना तो नहीं चाहिए, तो किस कारण से दक्ष जी के मन में ऐसा भाव है, तो वो कारण तो मैंने आपको बता ही दिया। लेकिन फिर हुआ क्या, सती जी जब देह में युवाग्नि से अपने देह को जला करके पूरी तरह से भस्म करती है, तो होता तो बहुत कुछ है। महादेव तक ये बात जाती है और महादेव रौद्र रूप धारण करते हैं, वीरभद्र को भेजते हैं कि जाओ दक्ष के यज्ञ का विनाश करो, और संपूर्ण विनाश होता, अंत में दक्ष जी का शिरोच्छेदन हो जाता। सभी बहुत भयभीत हो जाते हैं कि अब पता नहीं सृष्टि भी रहेगी कि नहीं रहेगी, लेकिन आखिर में महादेव को मना लिया गया। महादेव आए और दक्ष जी के मस्तक पर बकरे का मुख लगा करके उसे फिर से जीवन दान देते हैं। ये कथा हम प्राय कई ग्रंथों के द्वारा श्रवण करते हैं, संक्षिप्त भाव में ही आकर सुनाया गया। लेकिन उसके बाद महादेव उस स्थान पर आते हैं जहाँ सती का शरीर अभी अग्नि में जल ही रहा है, और उसे अपने पीठ पर धारण करते हैं, कंधे पर धारण करते हैं, और यहाँ वहां विचरण करते हैं। एक तरह से उस समय में महादेव की स्थिति ऐसी हो गई कि जैसे एक संसारी व्यक्ति की स्थिति होती है, एक माया में फंसते हुए से नजर आए। तब भगवान श्री हरि, कहीं तो लिखा है कि सुदर्शन से, कहीं लिखा धनुष से बाण चढ़ा करके सती के श्री अंग पर उसे छोड़ा गया, और माता सती के जो अंग है जहां जहां जिस जिस स्थान पर वह गिरे कहते वहां वहां पर शक्ति पीठ स्थापित हुई। माता आदि शक्ति जगदम्बा वहां पर सदा सदा के लिए विराजमान होंगे। बोलो जगदम्बे मैया की जय। तो वैसे तो कहा गया कि 51 शक्ति पीठ है, लेकिन कुछ स्थान जो ऐसे हैं जिसमें महादेव और माता सती दोनों ही उत्पन्न होते हैं, प्रकट होते हैं, निवास होता, तो ऐसे कुल मिला करके 108 ऐसे सिद्धपीठ माने गए। उनमें से कुछ एक आपको मैं थोड़ा सा वर्णन करूंगी, जैसे वाराणसी जिसमें माता आदि शक्ति के उस देह से माँ का मुख गिरा था, तो वहां पर जो शक्ति पीठ है जिसका नाम है विशालाक्षी, नैमिष में लिंग धारणी, प्रयाग में ललिता, गंधमादन पर्वत पर कामों की, मानस में कुमुदा, दक्षिण में विश्वकामा, उत्तर में भगवती, ऐसे करते करते अनेक अनेक स्थानों पर माता का वहां पर स्थान बना और उस अनुसार माँ का नाम हुआ है। और ये कहते हैं ये 108 ये शक्ति पीठ है, और जहां जहां पर भी ये विराजमान है, हम और आपके लिए एक बात बताई गई कि आप सभी भक्तजन अगर हो सके तो वहां जाकर के दर्शन करो, दर्शन करने के बाद दान दक्षिणा करो, दान करो, ब्राह्मण की पूजा करो, वहां कन्या पूजन करो, ऐसी ऐसी जो विधियां बताई गई है अगर वहां जाकर के आप कर सकते हो तो ये करो, और अगर नहीं कर सकते, आपकी क्षमता नहीं है कि आप इन स्थानों का जाकर के दर्शन करो, तो भैया जहां भी रहते हो, घर में रहते हो, बाहर रहते हो, कहीं भी रहते हो, एक बार घर में रह करके इन अष्टाक्षर नाम का अगर आप स्मरण भी कर लो, जाप भी कर लो, 108 सिद्ध पीठों को याद भी कर लो, इन नामों को याद कर लो। अच्छा, आपको लगे कि नहीं पढ़ सकते, नहीं बोल सकते, तो कागज पर लिख करके उसे अपने घर में किसी एक स्थान पर उसे स्थापित कर दो, तो उस घर में कभी कोई महामारी या कोई रोग या किसी भी प्रकार का कोई अभाव घर में कभी उत्पन्न नहीं होगा, ऐसी शक्तियों का वर्णन किया गया है। बोलो जगदम्बे मैया की जय। तो ये महिमा हमारे लिए रखी गई है। अब आपको कितनी इतनी शक्ति के साथ भी ऐसा कार्य हुआ कि वह अपने देह को ही भस्म कर रही है, आत्महनन ही तो कहा गया ना इसको, आत्महनन करने के लिए लोग कहते हैं कि नहीं करना चाहे, लेकिन ये तो लीला है उनकी, अपने स्वरूप को प्रकट करने के लिए माँ लीला कर रही है, उनकी उस लीला में हम और आप दोष नहीं ढूंढे। अगर उन्होंने कुछ ऐसा कार्य किया है तो आप और हम उससे यह शिक्षा लें कि
हमें ऐसा कार्य अपने जीवन में कभी नहीं करना, क्योंकि हमारे जीवन में जो संकट उत्पन्न होते हैं हमारी ही गलतियों से होते हैं, हमारे ही कर्मों से उत्पन्न होते हैं। ये आप समझ लेना। आपको कि नहीं भैया मैंने तो कुछ किया नहीं, वो भगवान ये है जो इतना दुख दे रहे, तो ये ऐसा कभी नहीं है। आप अपने ही मुताबिक अपने कर्म से ही फल प्राप्त कर रहे हो, संकटों को आप ही उत्पन्न कर रहे हो। तो संकट ही उत्पन्न ना हो उसके लिए ऐसे ऐसे साधन आपके लिए बताए गए, जैसे श्री महापुराण में बताया गया द्वादश ज्योतिर्लिंग। द्वादश ज्योतिर्लिंगों को याद करो, प्रणाम करो, जहां बैठे हो वहीं बैठे बैठे मानसिक पूजन कर दो, मानसिक प्रणाम कर दो। प्रातः काल उठकर के जो 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम का भी केवल मंत्र उच्चारण कर लेता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसी शक्तियां आपको दी जा रही है, ऐसे उपाय आपको दिए जा रहे हैं। तो चाहे आप माता रानी के नामों का जाप करो अथवा ज्योतिर्लिंगों के नाम का जाप करो अथवा अन्य अन्य किसी भी देवी देवता के भाव को करो, इनमें से किसी एक साधन करो। ये नहीं कि सारे ही कर ले। जैसे मानो आप देवी की आराधना में हो तो आप माता के नामों का जाप करो, कोई भोले बाबा का भक्त है तो वह भोले बाबा के नाम का जाप करे। हमें सभी का वो नहीं करना, क्योंकि क्या होता है इन सभी में हम इतने सम्मिलित हो जाते हैं कि जो प्राप्त करना होता वो प्राप्त नहीं करते, इसी में उलझे रह जाते हैं। एक बात मुझे थोड़ी सी जरूर कहनी है कि हम जो है समाज में रहने वाले जो भक्ति भाव करते हैं वो पाठ तो करते हैं, नियम तो करते हैं, लेकिन पाठ में भी ज्यादा हमें नहीं जाना चाहिए। भक्ति भाव से करोगे तो बहुत सहज रहोगे, पाठ होना चाहिए लेकिन थोड़े से भाव में। सबसे अधिक होना चाहिए नाम जप। अगर आपने गुरु मंत्र लिया हुआ है तो सबसे अधिक उसी का ही जाप किया करो, और नहीं है तो कोई भी भगवान का नाम जो आपको प्रिय लगता है उस नाम को बार बार जपा करो। पाठ ठीक है एक समय के लिए थोड़े बहुत होने चाहिए नियम में, लेकिन सभी प्रकार के पाठ, क्योंकि कई जगहों पर हम जाते हैं तो वो कहते हैं हम तो ये सारे चालीसा करते हैं, ये चालीसा वो चालीसा सभी प्रकार की, तो सभी सभी कितना भी आप कर लोगे पूर्ति नहीं होगी। सभी देवताओं को मनाना और एक भगवान को मनाना दोनों बराबर है। तो देव पूजा में अपराध हो सकते हैं, हम कहीं ना कहीं गलतियां भी करेंगे तो उसका दोष भी हमें लगेगा। तो अगर अनजाने में भी करें या जानते हुए भी करें दोष ही लगेगा, तो क्यों ना ऐसा कार्य करें जिसमें कोई दोष ही ना लगे और हमारा भक्ति भाव भी पूरा हो जाए। तो जितना हो सके अधिक से अधिक नाम पर ध्यान दीजिए, जितना हो सके नाम को जपिए। नाम से आपको सब कुछ मिल जाने वाला, नाम आपकी पूर्ति कर देगा, नाम आपको शांति देगा। कई बार मैंने देखा है कि पाठ करने वाले भी अशांत से नजर आते हैं, क्योंकि एक शक्तियां जब जागृत होती है तो ये सिर पर बैठ जाती है जो हर कोई सहन नहीं कर सकता। इनको सहन करने की भी क्षमता हर किसी के पास नहीं हो सकती, तो क्यों हम ऐसा भाव करें, हम सहज भाव में भक्ति करें, सहजता के साथ करो। आपको नाम भी नाम की शक्ति मिली हुई है, कलयुग में तो यही नाम की ही शक्ति है, कलयुग केवल नाम आधार। तो आप नाम को जपते जपते आप उस माता रानी के चरण में जा सकते हो, नाम को जपते जपते भोले बाबा के शरण में पहुंच सकते हो। ये भी साधन आपको दिया जा रहा है, मत इधर उधर भटको, कहीं भी आपको भटकने की जरूरत नहीं। विश्वास करो नाम पर और विश्वास करो इन ग्रंथों पर, इन शास्त्रों पर जो ऋषि मुनियों के द्वारा आपको दिए गए हैं। आपको फिर किसी से भी उपाय पूछने की भी आवश्यकता नहीं है। अपने अपने घर में जो ग्रंथ स्थापित है बस उनको खोलिए, उनका प्रकाश कीजिए, उनको पढ़ा कीजिए। एक श्लोक, एक मंत्र, एक लाइन, कुछ भी आपको ठीक लगे वो ही पढ़ लो, आपकी सब समस्याओं का समाधान आपको निश्चय प्राप्त होगा ही होगा। बोलो जगदम्बे मैया की। तो आओ जिस माँ के नाम को लेने से सब संकट दूर हो जाते हैं, उन्हीं के ही जीवन में संकट आए। ये बात अनोखी तो लगती है लेकिन ये सब लीला है हमें बताने के। तो आओ हम भी थोड़ा सा नाम ले लेते हैं।
इसलिए मिला है कि जब जब आपको लगे आप बार बार भगवान के नाम का उच्चारण कर पाओ, आपको संकट में उलझे रह जाते हैं, और अगर संकट भी है तो भी नाम लो मैया तो सारे संकट दूर कर देंगे।
डाली हुई कुछ नहीं कर पाई।
तो अभी आगे मनाना ही है। कैसे किस रूप में, थोड़े से हम शिव विवाह का भाव रखेंगे। अभी तो सती जी से वियोग हुआ है, तो सभी स्थिति डगमगा चुकी है। सती जी से वियोग हो गया ऐसे स्थान पर जाकर के निवास करते हैं, सभी से दूरी बना करके किनारा करके रहते हैं। अब महादेव अब सभी देवताओं के मध्य में नहीं है, ये भी बड़ी एक समस्या है। और इसी ही समय में एक और असुर उत्पन्न हुआ है जिसका नाम है तारकासुर। क्या नाम है? तारकासुर। तारकासुर ने ब्रह्मा जी की आराधना की और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा अवतार का। ब्रह्मा जी ने कहा कि अवतार का वरदान मुझे भी प्राप्त नहीं है तो मैं तुम्हें कैसे दूं। ब्रह्मा जी के मुख से कभी बात निकली तो उन्होंने कहा कि कुछ और वरदान। अवतार का सुनने यही बात सोची कि जो बात असंभव से वो वही बात मैंने मांगनी है। तो उन्होंने महादेव के और पुत्र के हाथों मेरी मृत्यु हो ऐसा ही मुझे वरदान दीजिए। तो जो भगवान के अंश से उत्पन्न होगा वही तारकासुर का अंत करेगा। और ये बात बड़ी मुश्किल से होने वाली है। क्यों? क्योंकि इस समय तो महादेव बड़े वियोगी होकर के रह रहे हैं और महादेव तो भैया ऐसे हैं जो एक बार एकत्रित किया गया। और तब भगवान श्री हरि किशन के समझाते हैं। भगवान श्री हरि कहते हैं कि मेरे साथ तो एक ही उपाय है, माता आदि शक्ति जगदम्बा, वो ही कुछ कर सकती है। अब सभी ने फिर से पुनः मिलकर के माता की आराधना की और फिर माता हम सबके सामने उपस्थित हुई है और कहा कि एक बड़ी गंभीर समस्या है। तारकासुर नामक इस असुर ने बहुत आतंक मचाया और इसका अंत हमारे हाथों हो नहीं सकता, महादेव के भी हाथों नहीं है, महादेव के पुत्र के हाथों है और ये बड़े मुश्किल से होने वाला कार्य है। तो माता आप ही कृपा कीजिए, क्या किया जाए। तो पहले तो माता आदिशक्ति ने ये कहा कि मैं पुनः एक और रूप धारण करके आऊंगी। जो सती रूप में रह गया था कार्य शेष अब वो पार्वती के रूप में पूर्ण होगा, उसी अंश से दोबारा पार्वती के रूप में जन्म लूंगी। और वह जन्म कहाँ होगा मेरा? कहाँ हुआ? राजा हिमाचल, हिमाचल राजा वहां पर उपस्थित ही है और माता आदिशक्ति जगदम्बा ने उसी सभा में राजा हिमाचल को संबोधित करके कहा कि राजन तुम्हारे यहाँ मेरा अवतार निश्चित होगा, ऐसा मैं तुम्हें वरदान देती हूँ। तो राजा हिमाचल तो बड़े प्रसन्न हो गए क्योंकि वह अपने आप को अयोग्य पात्र समझते हैं कि मेरे यहाँ माता का आगमन होगा ये तो मैं समझता ही नहीं क्योंकि मुझमें कोई पात्रता नहीं है, लेकिन आप मेरा चयन कर रहे हैं, आप मेरी घर पुत्री बनकर के आएंगी तो उससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। लेकिन माता आदिशक्ति ने एक बात कही कि आपको मुझे प्राप्त करने के लिए अभी तपस्या करनी होगी, ये तो अभी मैंने केवल एक उपाय बताया है आपको कि ऐसे ऐसे होगा, लेकिन मुझे भी कन्या के रूप में प्राप्त करने के लिए आपको मेरी आराधना करनी होगी। तो आपको वो आराधना कैसे करनी है वो विधि मैं ही आपको बताऊंगी। तो कहते हैं माता रानी ने पहले
राजा हिमाचल को सब प्रकार की जो शक्तियां हैं, जो विधियां हैं, वो सबसे परिचय कराए। ब्रह्म विद्या प्रदान करती है माँ, सभी प्रकार की शक्तियों का परिचय देती है, भक्ति क्या है इसका परिचय देती है। जिन दिन से हम भगवान को प्राप्त कर पाए, उन सभी साधनों का जो एक ज्ञान है, सबसे पहले माता राजा हिमाचल को वो प्रदान करती है, और इनका बड़ा विस्तार से वर्णन किया गया है यहाँ पर। और उसको अगर हम श्रवण करेंगे तो हम समझते हैं कि वो ज्यादा गंभीर हो जाएगा विषय, वो कभी अध्ययन करने भी आ पढ़ पाओ, सुनने में भी पूरा भाव नहीं आ पाता, और बहुत विस्तार से ही सब माते। तो बहुत 3-4 अध्याय इसी में ही माता रानी ने लगाए और उसको समझाया राजा हिमाचल को कि ये विधि से तुम्हें मुझे प्राप्त करना है। उसके बाद राजा हिमाचल जिनका विवाह होता है मैना जी से, और शिव महापुराण में वर्णन आता है कि राजा हिमाचल में से तो भगवान श्री हरि के अपभ्रंश वंश है, अंश है, भगवान श्री हरि का अंश इसमें विद्यमान है। और जो मैना इनके साथ इनका विवाह हुआ है, ये पितरों की मानसी कन्या हुई है, और उनको भी श्राप मिला था पहले तो मृत्यु लोक में मनुष्य हो जाने का, लेकिन जब इन्होंने क्षमा याचना की तो सरकारी ऋषियों ने इनको कहा कि आप माता तो बनेगी, भूलोक पर जाएगी, लेकिन आप दिव्य माताओं की माता बनेगी, आप दिव्य कन्याओं को जन्म देंगी। ये दिव्य कन्याएं आपके यहाँ पर जन्म लेकर के आएंगी, जिनसे उनके नाम से आपका भी नाम बहुत दिव्यमान हो जाएगा, प्रसिद्ध हो जाएगा, जो भी उनको याद करेगा साथ में आपके नाम का भी उच्चारण किया जाएगा, जिनसे आप भी महान हो जाओगे। तो इस प्रकार से ये वर्णन शिव महापुराण के अनुसार ये है। लेकिन राजा हिमाचल और मैना जी का जब विवाह हुआ, उसके बाद उन्होंने कहते हैं चैत्र मास से प्रारंभ करते हुए 27,000 वर्षों तक माता की आराधना की, स्तुति की, तपस्या की, और तब माता आदिशक्ति पुनः प्रकट होकर के इन्हें दर्शन देती है और तब उन्हें ये वरदान देती है कि मैं आपके यहाँ पुत्री रूप में प्रकट होंगी। और कहते हैं समय आने पर वही माता आदिशक्ति जगदम्बा पार्वती के रूप में इनके यहाँ पर उत्पन्न होती है, अवतार लेती है। हालांकि राजा हिमाचल पहले तो प्रसन्नता से स्वयं ही माता पार्वती को, अपनी कन्या को महादेव के साथ उनसे संबंध जोड़ने के लिए खुद ही आगे बढ़ते हैं, लेकिन जो मैना माता है जब भगवान के विकराल रूप को देखती है तो वह भयभीत हो जाती है। तो वहां थोड़ी सी घटना आई है, प्रसंग आया है, लेकिन आइए पार्वती जी का विवाह तो महादेव के साथ हुआ ही है, और वो भी बहुत आसानी से नहीं हुआ, क्योंकि हर कार्य को करने के लिए श्रम तो करना ही पड़ता है। देखो हम कहते हैं कि हमें इतना कार्य क्यों करना पड़ता है, इतना श्रम क्यों करना पड़ता है, कई बार मनुष्य ऐसी बात कह देता है कि मेरे जीवन में ये श्रम क्यों है, मुझे इतना कार्य क्यों करना पड़ता है, कुछ करने के बाद ही मुझे फल क्यों मिलता है, बैठे बैठे क्यों नहीं मिल जाता। तो देखो तपस्या तो बड़ों बड़ों ने भी की, माता पार्वती को भी तपस्या करनी पड़ी है, तो वो महादेव की ही, लेकिन फिर भी उनको प्राप्त करने के लिए वह तपस्या करती है, तो हमें भी करनी ही चाहिए। भगवान जब स्वयं तपस्या में बैठे हैं, मैंने कहा था ना बद्री धाम में बद्री नारायण भगवान आज भी तपस्या में और अनेक अनंत समय तक वह तपस्या ही करेंगे। नर और नारायण भी तपस्या में ही है, आज भी विद्यमान। जब वो तपस्या करते हैं तो हमें क्यों नहीं करनी, हमें भी करनी चाहिए। तपस्या करने से सात्विक भाव उत्पन्न होता है, और सात्विक भाव से आप सही मांग करोगे, सही बातों को कहोगे, सही मांग को मांगोगे, माता रानी की कृपा से जो आपको मिलेगा उनके प्रसाद रूप होगा, और वो कभी भी आपके लिए अहितकारी नहीं होगा, वो सदा आपके लिए कल्याणकारी ही होगा, ऐसा विश्वास रख के आपने कार्य करना। तो माता पार्वती ने अपने तपोबल से इतना बल बढ़ाया कि महादेव को प्रसन्न होकर के उनके सन्मुख प्रकट होना ही हुआ, और तब महादेव ने उनको ये वरदान दिया कि मैं आपका वरण अवश्य करूंगा, मैं स्वयं आऊंगा बारात लेकर के। और वही दिवस कहते हैं आज आया राजा हिमाचल, तैयारियां कर रहे हैं उत्सव की तैयारियां,
उनके यहाँ पर बारात आने वाली है, स्वयं देवों के देव महादेव सब देव समाज को लेकर के वहाँ उपस्थित होने वाले हैं। एक बड़ी वहाँ पर एक तैयारियां चल रही है और उधर सब देव समाज भी अपनी अपनी तैयारियों में लगे हैं कि हमें बारात में जाना है। और देखो वैसे तो सब अपनी अपनी तैयारी में तो है, लेकिन जो दूल्हे राजा है जिनको विशेष रूप से लेकर के जाना है, जिनका तो विवाह ही है, लेकिन कहते हैं वहां कोई उनकी सुध लेने वाला नहीं है। पहले जब तक कार्य सिद्ध नहीं हो रहा था तब तक सब आगे पीछे ही बोल रहे थे कि महादेव मान जाए, और जब वे मान गए उसके बाद कोई उन्हें पूछने वाला नहीं। यही संसार का हाल है, अपना कार्य बस कैसे सिद्ध हो जाए उसके बाद कौन तुम कौन हम फिर किनारा कर लेते। यही हाल है देवताओं का भी, यही हाल सब अपने अपने साज सजा में लगे, लेकिन जिनकी शादी जिनका विवाह उनको कोई सजाता नहीं। सब गड़बड़े निराश हो गए कि प्रभु कैसे आपकी सज्जा करें, क्योंकि हमें भी कहाँ आती है सज्जा करें, हम तो जैसे आप हो वैसे हम हैं और जैसे हम हैं वैसे आप हो, अभी जैसा आएगा हम तो वैसा ही कर पाएंगे, तो अगर कहो तो हम आपकी सज्जा करते। अब बोली बाबा को तो कोई परवाह है नहीं, जैसे मर्जी तुम करो, मैं मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं, मैं तो आध्यात्मिकता में जुड़ा हूँ, मेरे संसारी भाव में नहीं जुड़ना। तो बड़ा विशेष अद्भुत सा श्रृंगार किया, दिगंबर ही होकर के जा रहे हैं अपने विवाह में, भला कोई दिगंबर होकर के जाता है क्या। गणों ने कहा प्रभु 12 साल तो तुम दिगंबर रहते हो, कम से कम विवाह के दिवस तो कुछ धारण कर लो, लेकिन धारण करने के लिए कुछ है भी तो नहीं। गणों ने कहा जिस आसन पर बैठे हो खड़े हो जाओ, यही आसन ही आपकी कठी पर बांधा जाएगा। और बस यही क्या कि उसी ही आसन को उठा करके जब बांधने लगे, लेकिन वह इतना सतर्क था कि बार बार नीचे गिर रहा। गणों ने कहा क्या किया जाए, कहीं ऐसा बारात के साथ ना हो जाए, कहीं दूल्हे राजा ना पहुंचे और वही इनका वस्त्र कहीं नीचे ना गिर जाए, तो भैया प्रबंध तो करना ही पड़ेगा। तो क्या किया, वहां तो बहुत से सर्प यहाँ भटकते ही रहते थे, सर्पों को उठाया और उन्हीं को कटी पर बांध करके किसी प्रकार से आसन को टिकाया है और पूरे शरीर पर भस्म को बंध दिया है। एक तो पहले से ही बाबा क्या है कर्पूर गौर, अब तो खुद पहले से ही गोरे हो और ऊपर से वो और पाउडर लगा ले तो सोचो अब क्या ही नजारा होगा, है ना। एक तो बाबा पहले ही कर्पूर गौर है, ऊपर से और भस्म और लगा दिया, आप सोचो क्या ही दृश्य है, कल्पना हो ही नहीं होगी, कहीं ना कहीं अंदर से जानती हो रही होगी। और सिर पर जटा बनाए हुए, दूल्हे को तो सेना बांधा जाता है और सेने की जगह पर क्या लगाया है, सर्पों का सेना बनाया गया। बोले बाबा के मस्तक पर नाग देवता बैठे हैं, अब कौन उनके सामने जाएगा, कौन उनके गले में माला पहनाएगा, जिसके सिर पर ही मस्तक मस्तक पर सर्प बैठा हो कौन जाएगा उसके सामने। ऐसा अद्भुत शिकार बनाकर के बोले बाबा, और सवारी भी देखो कौन सी है, नंदी की सवारी, हाँ बैल की सवारी करते हैं। आप देखो चलो बैठे भी सही बैल पर, लेकिन कम से कम आगे की ओर मुख तो करते बैठे, तो बोले बाबा पीछे की ओर जा करके बैठ गए, पीछे उतर के बैठ गए। किसी ने कहा बाबा क्या हो गया आपको, आज कौन सी मस्ती कौन सा नशा चढ़ा है, हाँ बैठे भी हो तो कम से कम सामने तो मुख करो, मुख भी तुम्हारा पीछे की ओर है, ऐसा क्यों करते हो। बोले बाबा ने कहा जहाँ मेरे भगवान होंगे मैं वही तो मुख करूंगा, मेरे प्रभु पीछे पीछे चल रहे थे, भगवान श्री हरि नारायण जिनमें मेरी विशेष रुचि है, जब वह मेरे पीछे होंगे तो मैं सामने कहाँ देखूंगा, मैं उन्हीं के ही तो सामने देखूंगा, इसलिए मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ, मुझे ऐसे चक्कर में मत डालो, मुझे तो यही उचित लगता है। बोले बाबा की जय हो। तो आओ थोड़ी सी एक विवाह की जो प्रसन्नता है जो आपने अभी थोड़ी देर पहले भी ली, लेकिन थोड़ी सी और ले लेते हैं आज, थोड़े से भाव में हम बाबा का विवाह ही बना लेते हैं। जगह भोला पानी
उस रथ में कितनी शक्ति थी, उसके पहियों से कहते जहां जहां पर गड्ढे बन गए वहां वहां समुद्र उत्पन्न हो गए। पृथ्वी सात भागों में विभाजित हो गई, सात द्वीप वहां पर उत्पन्न हो गए और सात समुद्रों का निर्माण हो गया। तो यहाँ पर थोड़ा सा वर्णन है कि कौन कौन से द्वीप बने, जिसमें नाम आप सुनते भी हो, जम्मू द्वीप, अनेक अनेक द्वीपों का नाम है। अब यहाँ पर जितनी भी कथा है जिसमें भूमंडल के विस्तार की कथा है, कहाँ पर क्या द्वीप है, कौन सा क्षेत्र है, उस क्षेत्र की महिमा क्या है, उसका दृश्य क्या है, वहाँ का वातावरण क्या है, वहाँ की प्रकृति क्या है, लेकिन इन सबका निर्माण तो प्रियव्रत जी के द्वारा ही हुआ। तो आओ, ये बहुत ही विस्तृत कथा है जिसमें सभी प्रकार का वर्णन किया गया है, लेकिन हम सभी इन सभी प्रसंगों को केवल स्पर्श मात्र ही करते हुए अब बहुत आगे बढ़ेंगे और सीधे कथा के क्रम में जब आगे बढ़ेंगे तो एक कथा यहाँ पर आई है कि हमने सुना जो तीन बड़ी महान नदियां हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती। यहाँ पर दो नाम है, सरस्वती और गंगा, जो परस्पर एक दूसरे को श्राप नहीं देती है, इस भूलोक में आने का श्राप। ये महान महान विभूतियां देवियां जो भगवान के धाम में निवास करने वाली है, जो भगवान के श्रीअंग से प्रकट हुई है। अभी आगे हम कथा सुनेंगे कि गंगा प्रकट कैसे हुई, गंगा का अवतरण तो हम सुनते हैं लेकिन गंगा प्रकट कैसे हुई, इसमें थोड़ा सा वर्णन है कि एक बार कार्तिक की पूर्णिमा के अवसर पर श्री राधा रानी के नाम का उत्सव मनाया जा रहा था। श्री राधा रानी तो जानते होंगे, ये भी माता की शक्ति है, और जब उत्सव मनाया जा रहा है उनके नाम का तो सभी देवी देवता वहां पर उपस्थित है, ब्रह्मा जी, भगवान श्री हरि, सभी बड़े बड़े देव सब मिलकर के उत्सव मना रहे हैं। जैसे आप हम के उत्सव मना रहे हैं ना, नौ दिन का, ऐसे ही श्री राधा रानी के नाम का उत्सव मनाया जा रहा है। और वहीं पर एक दृश्य ये हुआ, ठाकुर जी एकाएक वहां पर आए और सभी देवी देवता दोनों रूपों को अपने सम्मुख बिठा करके फिर उनके नाम का मिलकर के गुणगान करने लगे। तो सभी, जैसे किसी का कार्य है भजन गाने का, किसी का कार्य है ढोलक बजाने का, ऐसे सभी देवी देवता अपना अपना कार्य कर रहे हैं। तो उसमें माता देवी सरस्वती इस अवसर पर उपस्थित थी और उन्होंने बड़े ही सुंदर कंठ से उनके नाम का बड़ा ही सुंदर मधुर गान किया। नाम मेरी राधा रानी का जिस जिसने गाया है, नाम मेरी राधा रानी का जिस जिसने गाया है, बाकी बिहारी ने उसे अपना बनाया है, बाकी उसे अपना बनाया है। अभी हमने क्या बोला, नाम मेरी राधा रानी का जिस जिसने कोई भगवान अपनाएंगे, सीधी सीधी बात तो यही है। अब जब गाओगे नहीं तो फिर तो भैया हो सकता है आपका ध्यान जाए अथवा ना जाए, क्योंकि ध्यान तो उसी पर विशेष आएगा जो भगवान को पुकार रहा होगा। अब देखना आप कितना पुकारते हो, जय राधे।
महादेव ने दुर्लभ उत्तम वीणा प्रदान की, ठाकुर जी ने कौस्तुभ मणि दी, श्री राधा रानी ने अमूल्य रत्नों का हार दिया, नारायण वर्मा ने मनोहर माला प्रदान की, महालक्ष्मी ने रतन युक्त स्वर्ण कुंडल प्रदान की। तो जिसके पास जो था उसने वह वस्तु उनको प्रदान की है। और कहते हैं अब तो यहाँ पर एक थोड़ी सी ही लग गई हूँ मानो, पहले तो सरस्वती जी ने गाया, उसके बाद भगवान शंकर भी मधुर गान करते हैं, और आप भोले बाबा को भी कम समझो, वे भी जब गाते हैं भाव में तो बड़ा अच्छा सुंदर कंठ है उनका भी, और जब वह गाते हैं तो उसका क्या प्रभाव होता है। सरस्वती जी ने गाया तो सब बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन जब महादेव ने गाया तो क्या प्रभाव हुआ। बोले कृष्ण और राधा जो वहां पर विराजमान थे, जो दोनों श्री अंग के रूप में विराजमान है, दोनों का श्री अंग द्रव्य रूप में परिवर्तित हो गया, द्रव्य मतलब जल में परिवर्तित हो गया। दोनों का जो श्री अंग है, श्री विग्रह है, स्वरूप है, वे द्रव्य रूप में परिवर्तित हो गया, माने जल रूप को धारण करता। और जब ये सभी मगन होकर के कार्य कर रहे थे तो सबके नेत्र बंद थे। जब मस्ती चढ़ती है ना फिर नेत्र खुले नहीं रहते, क्योंकि जब तक नेत्र खुले हैं तब तक संसार को दर्शन करते ही रहोगे। जब मस्ती चढ़ने लगती है तो नेत्र अपने आप बंद हो जाते हैं, जीव अपने में खोने लगता है, क्योंकि एक असीम आनंद उसे प्राप्त हो रहा है, जिसको पाने के लिए वो ललक रहा है, उत्साहित हो रहा है, वही मस्ती होती है और कुछ नहीं है। जिसको पाने के लिए हम रात दौड़ लगा रहे हैं यही मस्ती है। सभी देवी देवता तो मस्त हो गए, सबके नेत्र बंद हो गए, और इसी ही दौरान ये दृश्य हो गया कि राधा और कृष्ण दोनों ही द्रव्य में परिवर्तित हो गए, जल रूप हो गए। अब जैसे ही ये गान सुना हुआ, भोले बाबा ने अपना गान विश्राम किया, सभी देवी देवता ने अपने भाव से थोड़ा बाहर आए, वापस आए, और जब सबने नेत्र खोले तो सामने क्या देखा, जिस सिंहासन पर अभी थोड़ी देर पहले राधा कृष्ण विराजमान थे अभी कोई नहीं है। कहां गए हमारे प्रभु, चिंता हो गए, लेकिन वो तो उनके सामने ही थे, द्रव्य रूप में विराजित हो गए थे, लेकिन कौन समझ पाए। तब उसी ही समय सभी देवताओं ने जब अपने अंतर मन से तड़प की भावना से पुकार लगाई कि अब आपको हमारे सामने आना होगा, तो राधा कृष्ण प्रकट तो हुए, लेकिन जो उन्होंने द्रव्य रूप धारण किया था, जो जल रूप को धारण किया था, बोले यही कौन है, बोले यही पतित पावनी, जिसको आप भागीरथी कहते हो, विष्णुपदी कहते हो, बोले यही वो गंगा मैया है जो राधा और कृष्ण के श्री अंग से प्रकट हुई। बोलो सबने बड़ा दर्शन किया। और कहते हैं अब है गंगा जी गोलोक धाम में निवास करती है। सबसे पहले गंगा का जो निवास स्थान माना गया है वो क्या है, गोलोक धाम। और यहाँ पर ये वर्णन आता है कि हमारे भूमंडल पर जो गंगा प्रवाहित होती है, ये भूमंडल पर भी आने का उनको श्राप मिला। पहले तो गोलोक में ही प्रकट हुई, लेकिन हमने सुना कि वह तो विष्णुपदी भी है, जटाशंकरी भी है, वह तो ब्रह्मा जी के कमंडल में भी निवास करती है, तो वो गंगा वहां वहां कैसे आई, इसके पीछे भी कथा है। तो कहते हैं गंगा जी माता जो प्रकट हुई है, अब थोड़ा सा कथा को पीछे की तरफ लेकर के जाएं, तो जो ये गंगा है, सरस्वती है और लक्ष्मी है, ये तीनों देवी भागवत के अनुसार जो वर्णन आया है, जिसमें ये वर्णन है कि ये तीनों भगवान श्री हरि की भार्या है, गंगा भी भार्या है, लक्ष्मी भी है और सरस्वती भी। तो तीनों ही स्त्रियां जो भगवान के धाम में निवास कर रही हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के बाएं अंग से भगवान श्री हरि नारायण प्रकट हुए। जैसे हमारे जैसे ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के दो भाग किए, ऐसे ही ठाकुर जी ने भी अपने शरीर के दो भाग किए। तो बाएं भाग
चाहिए। तो सबसे मूल में श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण से ही नारायण उत्पन्न हुए थे, यहाँ देवी भागवत के अनुसार जो वर्णन है। तो एक प्रकार से भगवान श्री हरि की गंगा जी भार्या हो गई। और आगे इसी में जो मैंने भी आपको कथा सुनाई जिसमें वर्णन आता है कि गंगा जी का श्री कृष्ण से विवाह हुआ, वो उनकी भार्या हुई है, तो उन्हीं का अंश रूप होने के कारण से वह उनकी नारायण की भी भार्या हो गई। तो तीनों ही देवियां वैकुंठ में निवास करती हैं और जो गंगा जी है और जो भगवान श्री हरि है इनके मध्य में प्रेम की स्थापना तो है ही, लेकिन एक जो ईर्ष्या की भावना होती है थोड़ा विशेष रूप से देवियों में, स्त्रियों में। सरस्वती जी को पता नहीं कहां से ये भ्रम सा हो गया कि भगवान श्री हरि गंगा से ही विशेष प्रेम करते हैं और ये गंगा उसका विशेष लाभ उठाती है। तो ऐसा क्यों, सबको एक समान ही वो मिलना चाहिए। तो इस बात से थोड़ा थोड़ा ईर्ष्या को धारण करती करती एक दिन सरस्वती जी अपने मुख से बहुत कटु वचन बोलती जिसको रोकने के लिए लक्ष्मी जी आगे बढ़ती, क्योंकि लक्ष्मी जी की प्रकृति शांत है, वो शांत स्वरूप है, वे कटु वचन नहीं बोलती, उनको सबको स्वीकार्य है कि सबको अधिकार है परमात्मा के निकट जाने का, सबको अधिकार है उस प्रेम को प्राप्त करने का, तो उनके मन में ये भाव नहीं है। तो सरस्वती जी को समझाने के लिए लक्ष्मी जी जब जाती है तो सरस्वती जी के मन में पहले से क्रोध उत्पन्न है ही, और उसके कारण से लक्ष्मी जी को गंगा का पक्षपाती जान करके ये भी उनका ही साइड ले रही है, उनका ही पक्ष ले रही है। तो सरस्वती जी पहले तो लक्ष्मी जी को ही शाप देती है कि आप नदी रूप में और वृक्ष रूप में इस भूमंडल पर अवतरित होंगी, शाप दिया। तो लक्ष्मी जी को शाप मिला तो अब सोचो बदले में क्या होता, लक्ष्मी जी भी शाप देती, लेकिन नहीं, लक्ष्मी जी ने शाप नहीं दिया। लक्ष्मी जी शांत स्वरूप है, उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया, शांत चित होकर के ने कोई विरोध भी नहीं किया कि तुमने मेरे लिए ऐसा क्यों कहा, चुपचाप बैठ गई। लेकिन एक बात गंगा जी से सहन नहीं हुई कि इन्होंने किसी का पक्ष नहीं लिया था, इन्होंने तो सही बात की, लेकिन इनके ही मन में ऐसी बात है। तो गंगा जी सरस्वती जी को शाप देती है कि आपके अंदर जिस प्रकार की भावना है इस भावना का कारण तो मृत्यु लोक पर ही उपस्थित होता है, तो चाहिए मैं आपको शाप देती हूँ, भूमंडल पर निवास करते हुए पापियों का संग करते हुए आप वहां पर निवास करोगी, ऐसा शाप गंगा जी देती है। और फिर वही शाप, गंगा जी ने जब शाप लिया तो सरस्वती जी पुनः शाप लेती है, फिर गंगा जी को ही शाप मिला कि आप जो यहाँ पर निवास करती है भगवान के श्री संत संग विराजमान रहती है, मैं भी आपको शाप देती हूँ कि आप भी पतितों का संग करते हुए इसी भूमंडल पर सदा सदा के लिए निवास करेंगे। बोलो जगदम्बे मैया की जय। तीनों ही देवियों को परस्पर शाप मिल गया। अब भगवान श्री हरि ने जब ये सारी स्थिति देखी कि इस प्रकार से इन तीनों के मध्य में ये भाव उत्पन्न हुआ है, तो ज्ञान देते हैं तीनों को बैठा करके कि ज्ञान को धारण करो, इस प्रकार से राग द्वेष करने से देखो पता नहीं होगा, ऐसे राग द्वेष मत रखो, किसी के प्रति हमारे मन में प्रेम होता है, किसी के लिए हमारे मन में क्या होता है घृणा, उसको कहते हैं राग और द्वेष। और भगवान के द्वार पर जाने के लिए दोनों ही बाधा है, ना तो राग चाहिए ना द्वेष चाहिए, क्योंकि जो राग है वो भी मोह का ही रूप है, अपनों को ही बस अपना समझना और बाकियों को पराया समझना, ये भेदभाव की भावना आपको कभी भगवान तक नहीं पहुंचने दे। ना तो मोह करो ना घृणा करो, सबको सद्भाव में देखो, सब में परमात्मा को देखते हुए ये भाव रखो कि ये भी भगवान के हैं और मैं भी भगवान का हूं। तुझ में राम मुझ में राम सब सब अपने हैं, मैं सबका हूँ,
केवल परिवार के कुछ सदस्यों के लिए मेरा भाव नहीं है, सब संसार वालों के प्रति मेरा एक जैसा भाव है। चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई कहाँ है, कोई किसी स्थिति में है, लेकिन सब मेरे अपने हैं। ऐसा भाव जब आप रख लोगे तो भगवान स्वयं आपके लिए चल करके आपके पास आएंगे। लेकिन यहाँ गंगा यमुना सरस्वती के मध्य में भेदभाव उत्पन्न हो गया, श्राप मिल गया। अब तीनों देवियां रोती भी है, मिलाप भी करके हमने परस्पर एक दूसरे को श्राप दिया, अब तो हमें जाना ही होगा। तो भगवान श्री हरि समझाते हैं तीनों देवियों को कि जो लक्ष्मी जी हैं, बोले आप इस धरा पर जाएंगी और एक धर्मदेव नाम के राजा हैं, धर्मध्वज नाम के, आप उनके यहाँ पर पुत्री के रूप में जन्म लेंगे और फिर वहीं पर रहती रहती थोड़े समय के बाद आप वृक्ष रूप हो जाएंगी और मेरा ही एक अंश रूप शंखचूड, जिसकी कथा हमने शिव महापुराण में भी श्रवण की है, शंखचूड जो भगवान श्री हरि का ही अंश है, जिसके अंदर बोले वह उस रूप में अवतरित होगा, है तो वो असुर लेकिन तुम उसकी भार्या बनोगी, मेरा अंश उसमें विद्यमान होगा इसलिए तुम उसकी भार्या बनोगी। और फिर उसी में ही जब एक लीला होगी जिसमें शंखचूड का तो अंत हो जाएगा लेकिन तुम वृक्ष के रूप में परिवर्तित हो जाओगी और फिर सदा वहीं पर विराजमान रहोगी, वृक्ष के रूप में सदैव स्थापित हो जाओगी, जिसको हमारा तुलसी कहते हैं। वो लक्ष्मी जी है जो तुलसी के रूप में स्थापित हुई और नदी कौन सी बोली पद्मावती नाम की नदी, इस नदी के रूप में तुम सदा निवास कर रहे हो भूमंडल पर, ऐसा भगवान श्री हरि ने लक्ष्मी जी से कहा। और फिर सरस्वती जी से कहा कि आप भी भूमंडल पर जाएंगी लेकिन आप ब्रह्मा जी के लोक में रह करके फिर वहां से प्रस्थान करेंगी, तो ब्रह्मा जी का संग आपको करना है, ब्रह्मा जी के संग में रह करके आपने ये कार्य करना है, फिर भूमंडल पर रहती हुई ब्रह्म लोक का ध्यान लगाती हुई फिर आप अपनी लीलाओं को करते हुए इसी भूमंडल पर निवास करें। और हे गंगा, आपको भोले बाबा के संग में रह करके फिर इस भूलोक पर गमन करना है, भागीरथ जी के द्वारा आप इस भूमंडल पर जब पहुंचेंगी तो आप भागीरथी कहलाएंगी और फिर वहीं पर निवास करते हुए आपको सब कार्य करने हैं, जिस लोक में मृत्यु लोक में हम और आप मनुष्य अनेक अनेक प्रकार के कर्म करते हुए रहते हैं, जो पाप ही अधिक करते हैं वो पापी लोग आपके जल में स्नान करके अपने आप को पवित्र करेंगे। तो ऐसा तो बताया गया भगवान श्री हरि की ओर से, लेकिन गंगा यमुना और सॉरी गंगा सरस्वती और लक्ष्मी जी इन्होंने ये पूछा कि आपने ये तो बता दिया कि हमें जाना कहाँ कहाँ है लेकिन हमें रहने की सीमा कब तक है, कब तक रहना है वहां पर। बोले जब अब से लेकर के कलयुग के 5000 जो वर्ष है जब वो पूरे हो जाएंगे, कलयुग के जब 5000 वर्ष पूरे हो जाएंगे तब तक आपको इस मृत्यु लोक में रहना होगा, भूमंडल पर रहना होगा और जब ये 5000 वर्ष पूरे हो जाएंगे तब आप वापस अपने स्थान पर लौट आएगी। तो आप समझिए अभी जो हमारा एक जो समय चल रहा है ऋषि मुनियों के द्वारा जो बताया गया है कि 5 वर्ष तो भैया पूरे हो चुके हैं, कलयुग के 5 वर्ष और 5 वर्ष से भी थोड़े ऊपर का समय हो चुका है। तो आप सोचो कि अभी ये नदियां विलुप्त होने वाली, कुछ हो भी गई है और कुछ होने की कगार पर ही है, अभी तो भगवान ही जाने आने वाले समय में क्या होगा, क्योंकि कलयुग का यही दर्शन जितने भी धीमे धीमे स्थान है ना वो सब अदृश्य होते जाएंगे। आपने कई बार सुना भी होगा जिस बद्रीनारायण के दर्शन हम आप करते हैं थोड़े समय बाद ये स्थान भी बंद हो जाएगा, बद्री भविष्य के रूप में दर्शन होगा, एक एक स्थान पर पर्वत की शिला पर भगवान का स्वरूप अपने आप ही प्रकट हो रहा है, ऐसी ऐसी बातें हमें आज के टाइम में पता लगती है। और एक भविष्य पुराण नाम का ग्रंथ है जिसमें भविष्य में होने वाली घटनाओं का वर्णन लिखा गया और ये जितने भी संकेत जो हमें मिलेंगे ये कलयुग के समाप्त होने के संकेत भी कि कलयुग कब समाप्त हो। कई कई स्थान ऐसे हैं जहाँ पर बड़े अद्भुत दर्शन मिलते हैं और वो स्थान नष्ट होने के कगार पर, जैसे जैसे वो नष्ट होते जाएंगे जब कलयुग का अंतिम समय आएगा तो कहते हैं सब नष्ट होते जाएंगे और तब समझना कि अब इस कलयुग को बचाने वाला कोई नहीं होगा। एक समय जब आएगा कलयुग में चाहो और जल ही जल हो जाएगा, सारी पृथ्वी जल में डूब जाएगी, जब प्रलय काल की स्थिति आती है तो यही होता है, पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी।
उसमें जो भी प्राणी आप और हम रहते हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, सब उसमें विलीन हो जाएंगे, कुछ भी शेष नहीं बचेगा। उसके बाद 12 सोने एक साथ उदित होंगे, जिसमें पृथ्वी के ऊपर जितना भी जल है वो सब सुखा देंगे, पृथ्वी को बिल्कुल सुखा देंगे, शुष्क हो जाएगी पृथ्वी। और फिर जब समय आएगा, जब भगवान माता आदिशक्ति जगदम्बा फिर से लीला करेंगी, फिर से माया को बिखेरेगी, फिर से इसी ही पृथ्वी पर सभी प्रकार के साधन उत्पन्न किए जाएंगे और एक नव सृष्टि का निर्माण होगा, एक नव जीवन का उत्थान होगा, जिसका प्रारंभ सतयुग से माना गया है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, चार युगों को मिलाकर के ये कई युग चलते हैं, जिसमें एक मनवंतर होता है। ऐसे करते करते इस प्रकार से ये आयु बीतती है। और बड़ा विस्तार में वर्णन है कि इन सबको मिलाकर के माता रानी का एक पल बीतता है, हमारा एक दिन, और उन माता रानी के कितने ही दिन एक ही पल में बीत जाते हैं, ऐसा वर्णन देवी भागवत के अंदर वर्णन किया गया है। लेकिन 5000 वर्ष तक जो है इनको आदेश हुआ कि आप इस प्रकार से रहेंगी। लेकिन एक बात हमने सुनी, विष्णुपति कैसे हैं मानदा, बोले जब बाबा भगवान राजा बलि के द्वार पर गए थे भिक्षा मांगने के लिए, गए थे ना, तो उन्होंने तीर पर भूमि में पृथ्वी को नाप लिया था। पहले पग में तो पृथ्वी को नापा, दूसरे पग को ब्रह्मांड में रखते हैं, और जब ब्रह्मांड में रखते हैं तो उनके चरणों का जो अंगूठा भाग है, उस अंगूठे भाग को जब ब्रह्मांड पर रखा गया तो कहते हैं वहां पर एक चित्र हो गए, और कहते हैं उसी ही चित्र में गंगा का निवास माना गया, वहां से ही गंगा प्रकट हुई। तो जिसको विष्णुपति कहा जाता है वही गंगा उन्हीं भगवान श्री हरि के चरणों से प्रकट होती है और फिर कल कल करती हुई आपके इस भूमंडल पर निवास करती है। Okay.
बस आप मेरा अनुकरण करती जाइए। गंगा मैया भागीरथी पीछे पीछे उनका अनुकरण करती हुई चली, इसलिए जो है भागीरथी कहलाई जाती है। और कहते हैं भागीरथ मुनि पहले तो उसी स्थान पर गए जहाँ पर 60,000 सगर पुत्र की भस्म धातु वहां पर पड़ी है। जैसे ही गंगा मैया वहां पर पहुंची और गंगा का स्पर्श मात्र हुआ, ये सभी के सभी 60,000 सगर पुत्र स्वर्ग के अधिकारी होंगे। अब आगे जो है तुलसी की कथा भी है कि कैसे शंखचूड़ से विवाह हुआ और ये शंखचूड़ किस प्रकार से उपद्रव करता है, भोले बाबा से युद्ध होता है और अंत में भोले बाबा इनका अंत ही करते हैं। लेकिन जो तुलसी रूप में विद्यमान है, जो पतिव्रता नारी जिसके बल से वो शंखचूड़ नाम के असुर का भी अंत नहीं होता, तब भगवान श्री हरि को शील हरण करने की लीला करनी पड़ती है। सतत्व का भंग होता है तो उसी ही समय शंखचूड़ पर भी जब आक्रमण किया जाता है, भोले बाबा आक्रमण करते हैं, उस प्रहार से शंखचूड़ का अंत हो जाता है। तब तुलसी जी रोष उत्पन्न करती है कि आपने मेरे पतिदेव को छल से मारा है, मैं भी आपको शाप देती हूँ, आपका हृदय पाषाण की भांति है, जाइए मैं आपको शाप देती हूँ, आप पाषाण के हो जाओ। और वह तो स्वयं वृक्ष के रूप में परिवर्तित हो ही गए। तो कहते हैं जो पाषाण के रूप में परिवर्तित हुए उनको क्या कहा गया, शालिग्राम। अब ये परंपरा बना दी गई, भगवान श्री हरि जो शालिग्राम के रूप में स्थापित हुए और जो लक्ष्मी जी है वही तुलसी का रूप धारण करके आई थी। और कहते हैं तब से आज तक ये परंपरा बनाई गई है कि जो भी भक्तजन इनका परस्पर मिलन कराते हैं, विवाह करते हैं, उनके घर में कभी किसी प्रकार का शोक संताप नहीं बनाया जाता। सुहागिन स्त्रियां विशेष रूप से तुलसा की पूजा करके अपने सुहाग को और जीवित रखने के लिए प्रार्थना करती है, सुहागी होती है, ऐसी परंपरा हमारे इन ग्रंथों में वर्णन किया गया है। तो आओ यहाँ पर सभी ही कथाओं को हमने सुना, जो जो थोड़े थोड़े भाग में, जो शायद हमारे लिए एक नई विषय के रूप में ना होगा, गंगा और सरस्वती और लक्ष्मी जी किस रूप में हमारे मध्य में निवास कर रही है ये भी आप जान चुके हैं, और कैसे अभी हमारे इस भूलोक से किस प्रकार से गमन करेंगी, वापस लौट जाएगी, इस कली काल का प्रभाव और आगे बढ़ता जाएगा, यही वर्णन है आगे इसके। तो इन्हीं कथाओं को हम सुन रहे हैं, सुनते जाएंगे और कल प्रातः काल आप बाकी बची हुई शेष कथाओं को श्रवण करेंगे। हो सकता है सभी कथाओं का स्पर्श न किया जाए, लेकिन विशेष कथाओं का श्रवण, माता रानी के और भी कई रूप हुए, उन रूपों का हम अवतार वर्णन सुनेंगे और फिर सब कुछ मिला करके इस कथा को हम कल विश्राम देंगे। आप सभी भक्तजन जानते ही होंगे कि कल का विश्राम दिवस है, आप सभी ने बड़े ही विधिवत पूर्वक नियम से ये कथा को सुना और कल तो विशेष है ही विश्राम दिवस की कथा, तो सभी ही विश्राम लेने जरूर आए और समय का पालन करते हुए, पता है ना समय क्या है, समय नहीं पता किसी को भी नहीं पता। अच्छा वैसे तो 8 बजे ही लिखा है, तो बताइए क्या समय रखा जाए। देखो हम तो कहेंगे जो लिखा है उसी समय का पालन करो, 8 बजे है तो 8 ही बजे आओ, 8 से 9 जो है कथा का कार्यक्रम है ही, उसके बाद यज्ञ होगा, उसके बाद आप और हम सब माता रानी के दरबार में बैठ करके उनका लगा हुआ भोग प्रसाद हम यहाँ पर ग्रहण करेंगे और एक प्रकार से संपूर्ण इस कार्यक्रम को विश्राम दिया जाएगा, पूर्णाहुति दी जाएगी। इसलिए आप सभी भक्तजन अवश्य आ ही रहे हैं और आते ही रहे, कल पूरी आहुति दे करके आप यहाँ से विदाई लें। लेकिन आइए एक भाव थोड़ा सा गुनगुनाते हैं फिर आरती करते हैं। और मैं तो देख रही हूँ सब बड़े आराम से बस बैठे ही रहते, ताली
अपने बड़े आराम से पार्टी कर सके। सहारा सुख जीवन का सारा तेरे चरणों